Hi everyone, welcome to the channel again. And before this starting this video, thanks to Nexar Raebareli for making this video possible. And for buying Maruti cars in Lucknow and Raebareli, contact numbers are given in the description. This here is the Nexar Fronx base model. ये Sigma model है. And ये on road आपको 8 lakhs to 8.5 lakhs depending on your location मिल जाएगा. एंड सबसे अच्छी बात है इसमें कि ये ऐसा मॉडल है, इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ना उसमें सब कुछ है. तो इसमें आप थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये आपको ऊपर के मॉडल की फील पूरी दे देगी. जैसे कि इसमें जो व्हील्स दिए हैं वो 16 इंचज दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. अभी आप इसमें एलॉय फिट कराएंगे तो आपको व्हील्स इसके जो टायर्स है वो चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप 16 इंच के एलॉय खरीद लीजिए और यू आर गुड टू गो. रियर में देखेंगे तो फुल ऊपर के मॉडल की फील है, बिकॉज लाइट्स आर कम्प्लीटली एलईडी. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, पूरी एलईडी लाइट्स दी गई, टेल लाइट्स एलईडी, द इंडिकेटर्स एलईडी. देन इसका डोर में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि क्या होता है ना, जनरली बेस मॉडल में आपको सब कुछ प्लास्टिक मिलता है, बट इसमें भी सॉफ्ट टच फील दिया है. जो सारे आपके टच पॉइंट्स है उसमें कुछ सॉफ्ट टच है. की इसमें आपकी नॉर्मल की आती है, सेंट्रल लॉकिंग है इसमें, लॉक अनलॉक एंड की लेस स्टार्ट नहीं है. देन आपको इसमें दिखाऊंगा तो इंडिकेटर्स, सी इंडिकेटर्स आल्सो एलईडी, जो कि टॉप मॉडल्स के जैसा ही है. सो बहुत सही चीज़ दे रखी है इसमें. देन अंदर का जो डोर का फील है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है. जो यूज़ ऑफ कलर्स है आप देखेंगे, जिसमें पर्पल कलर, देन ब्लैक, देन टच ऑफ सिल्वर, तीनों कलर मिलके काफ़ी इसको अच्छा लुक दे रहे हैं. देन इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है, इसकी इसका की साइड में है, बटन साइड में है. रियर में देन दिस इज़ द रियर एलईडी लुक्स, देखिए काफ़ी बढ़िया है. और इसमें अच्छी चीज़ नीचे जो स्किड प्लेट देखेंगे वो भी सिल्वर दे रखी है, इसको बेस मॉडल है बोल के काला प्लास्टिक नहीं दे दिया है जस्ट. एंड फ्रंट लुक देखेंगे तो इसमें जो इसकी DRLs है वो नॉर्मल हेलोजन है, बट जो इसकी हेडलाइट्स हैं DRL सो प्रोजेक्टर्स, तो इसमें जस्ट हेलोजन बल्ब नहीं दे दिया है, काफ़ी अच्छी है. गोइंग टू द ड्राइवर सीट, सीट का जो लुक है काफ़ी अच्छा है. एंट्री इज वेरी इजी और एज यू नो द न्यू बलेनो एंड न्यू, सो नया फ्रॉन्क्स का भी जो फील है ना जो डोर का काफ़ी सही है. स्टेयरिंग व्हील जो बेसिक है, सो देयर इज द ओनली थिंग जो थोड़ा बेसिक फील होता है इस कैबिन में. दैन इसमें इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सुंदर सा दे रखा है. स्टेयरिंग गुड टू होल्ड है, फ्लैट बॉटम है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं. सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें जो आप नहीं चेंज कर सकते, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल जो ऑटोमेटिक दे रखा है बेस मॉडल में, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है. देन एक अच्छी चीज़ इसका भी है, जो इंस्ट्रूमेंट इसका जो एंफोटेनमेंट का जो फ्रेम है ना वो फ्लोटिंग फ्रेम ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको जस्ट इसमें एक नया सिस्टम फिट करना है और यू आर गुड टू गो. देन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ जाता है, सेफ्टी का मतलब भी सी है, स्टैंडर्ड 2 airbags आ जाते हैं, ABS आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो आप. देन आप देखोगे जो इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले भी काफ़ी सही है. देन पावर एक 12 volt power socket, देन सेंट्रल कंसोल लुक्स गुड, हैंड ब्रेक्स नॉर्मल आता है, साइड में हैंड रेस्ट नहीं है, सो वो भी आप अलग से फिट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कार में सब कुछ ऐसा है जो आप आराम से फिट करा के आप ऊपर के मॉडल की फील ले सकते हो. देन गोइंग टू पैसेंजर सीट, इसमें एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जो कि बेस मॉडल में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कभी इस रेंज की कार में. हेडरेस्ट पूरा प्रीमियम फील है, पीछे तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, सीट बेल्ट तीनों प्रॉपर है, मिडल पैसेंजर के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट है. स्पेस के मामले में इट एक्सेल्स, यही यहाँ पे जो रियर सीट का स्पेस है ना जो इतना अच्छा है कि इसको आप मतलब कंपेयर कर सकते हो बड़ी गाड़ियों से. देन सामने फ्रंट डेस्क लुक काफ़ी अच्छा है, जो ओवरऑल एयरी फील है कैबिन का काफ़ी सही है. फ्रंट डेस्क लुक अगेन. कमिंग टू एन इंजन, इसमें 1200 cc का इंजन आता है पेट्रोल, जो आपको 88 horsepower प्रोड्यूस करता है एंड 130 Nm टॉर्क. और सबसे बढ़िया चीज़ है 22 km की क्लेम करती है मारुति इसमें माइलेज, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है. 22 km की माइलेज अगर क्लेम करती है मारुति, तो इसका मतलब है कि आराम से आपको 20 का तो मिल ही जाएगा नॉर्मल कंडीशन में. और इंजन में काफ़ी स्पेशियस है, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, प्रूवन इंजन है. नीचे देखोगे आप आराम से इसमें मैकेनिक काम कर सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाली, बढ़िया है हर तरह से. सो दिस वॉज अ बेस मॉडल फ्रॉन्क्स, डिटेल में नहीं बिकॉज ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल्स में है, आप उसको भी देख सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.